घड़ी का पूरे देश को इंतजार था, जिनके परिवार वाले अपने भाई बेटे और पिता के सुरंग से बाहर आने की राह देख रहे थे, जिन्होंने सुरंग हादसे के बाद दिवाली नहीं मनाई, उन सभी के इंतजार की घड़ी अब आखिरकार खत्म हो चुकी है और मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में हुए टनल हादसे को लेकर, जिसके अंदर 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों ने कई दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार चढ़ाव के बाद मंगलवार को जंग जीत ली है। बता दें कि परिवार के लोग और पूरा देश पल के बिछाए बेसब्री से उन सभी लोगों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में रेस्क्यू टीम ने सभी फंसे मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद सभी मजदूरों को चिकित्सा देखभाल के लिए सिलक्यारा सुरंग स्थल से कई एम्बुलेंस के जरिए अस्थायी अस्पताल के लिए रवाना किया गया। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे मलबा गिर गया, जिसके कारण 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। उन्हें बचाने के लिए पिछले 17 दिनों से लगातार अलग अलग एजेंसियों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, जिसमें बीते मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि रात 8 बजे के करीब पहले 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया और इसके बाद धीरे धीरे करके बाकी के सभी मजदूरों को भी सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। अंदर कैसा लगा? अंदर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ब्रीडिंग में? हमारा कंफर्टेबल था सिस्टम पूरा? चलो बहुत अच्छे, अंदर हवा आ रही है। इसको हमारा बंदा आ रहा है, हमारा बंदा आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में से पहले श्रमिक को जैसे ही बाहर निकाला तो बाहर मौजूद सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसके फौरन बाद मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। सभी मजदूरों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें कि 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए कई एजेंसियां दिन रात लगी थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में सेना, बीआरओ, नेशनल हाईवे, एनडीआरएफ और कई इंटरनेशनल टनलिंग विशेषज्ञों की टीम एक साथ दिन रात मजदूरों को निकालने के काम में लगी थी। आपको बता दें कि इस दौरान सुरंग से बाहर निकलने के बाद मजदूरों ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे रहे सभी श्रमिकों को राज्य सरकार 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो इस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। सभी की कोशिश और लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए। श्रमिकों ने भी पूरा इसमें सहयोग दिया और साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिला और यही वजह है कि आज सुरक्षित ये सभी श्रमिक बाहर आ गए हैं और हम सभी के बीच हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।